हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि मैंने प्राइस रिअरेंजमेंट आपको बताया था। आज जो है उसी चैप्टर में आप लोगों ने नाम सुना होगा गेटरमैन रिएक्शन। तो बच्चे बहुत बार कहते हैं कि सर गेटरमैन रिएक्शन में जो है किसकी प्रेजेंस में किस तरह से मैकेनिज्म फाइनली जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो नेम इज गेटरमैन रिएक्शन, GATTERMANN, गेटरमैन रिएक्शन। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये होता क्या है रिएक्शन। आपको मालूम है कि अधिकतर हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो फिनॉल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो इट मींस दिस रिएक्शन गिवन बाय द फिनॉल, पहला तो पॉइंट ये होना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं बच्चों कि अगर आपको चैप्टर का भी नाम मालूम है उस रिएक्शन का, तो आप स्टार्टिंग मटेरियल के बारे में पता लगा सकते हैं। तो फिनॉल इसमें लिया जाता है, तो मैं यहां पर फिनॉल का स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहा हूं, फिनॉल, ठीक है ना। तो फिनॉल की रिएक्शन जो होती है वो हम किससे करते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पता लगाओगे, क्या कुछ मेमोराइज करने का तरीके आपको मालूम होने चाहिए कि इसमें जो गेटरमैन में हम रिएक्शन करते हैं फिनॉल की HCN हाइड्रोजन साइनाइड और साथ में HCl लेते हैं, और अगर रिएक्शन को फास्ट करना है तो अगर लुईस एसिड मिल जाए। देखिए कोई रिएक्शन अगर हम फास्ट करते हैं तो अगर कैटलिस्ट ले लिया जाए तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप अधिकतर देखते हैं, आप घर में भी अगर कोई काम करते हैं, कोई कैटलिस्ट अगर मिल जाए, काम करने वाला हमारा दोस्त अगर मिल जाए, तो कितने फास्ट रिएक्शन हो जाती है, कितने फास्ट वो काम हो जाता है। तो वही चीज हमें रिएक्शन के दौरान भी देखनी है। तो यहां पे क्या होता है, हमें लेना होता, देखिए HCN और HCl, HCN, HCl तो हम लेते ही लेते हैं, और साथ में इसमें हम क्या मिला देते हैं, AlCl3 मिला देते हैं, जो कि कैटलिस्ट का काम करता है। तो उसके बाद जो एक कुछ बनेगा यहां पर, वो अभी बताते हैं आपको क्या बनेगा, ए बनेगा, देन फॉलोड बाय जो है हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस अगर कर दें H2OH पॉजिटिव इस तरह से अगर कर दें, तो यहां पे जो है बी जो प्रोडक्ट बनता है that will be the final product of the Gatterman reaction, वो होता है हमारा OH और यहां पे लग जाएगा आपका CHO। तो आप सभी जानते होंगे इसका नाम क्या है, CHO ग्रुप लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप तो लग ही गया। एक तो सीधा नाम है आपका क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। दूसरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी आप बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी बोलते हैं। Now, what is the mechanism during this conversion of phenol to salicylaldehyde? तो उसको ध्यान से देखिए कैसे इसको mechanism हम बनाएंगे, किस तरह से उसको समझेंगे। अब यहां पे जो HCN और HCl है, देखिए ये दोनों तो आपके reagent की तरह काम करेंगे, catalyst की तरह काम करेगा। अब catalyst का काम क्या करता है, reaction को fast करता। अब ये reaction को कैसे fast करेगा, देखिए HCl है, HCl से जो है वो Cl लेकर के H पॉजिटिव इसको देने का काम करेगा, ठीक है ना। तो कैसे इसको हम देखते हैं, देखिए हम मैकेनिज्म इसकी बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ करके बोल दूं, इसको देखिए AlCl3 और HCl, ये दोनों देखिए, AlCl3 जो होता है वो लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड में Al को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा कि जो भी लुईस एसिड है उसको सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो वो सेंट्रल एटम क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचता है किसी दूसरे से जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आपको मालूम है कि जैसे किसी को इलेक्ट्रॉन की किसी चीज की जरूरत होती है तो उसी चीज को खींचने की कोशिश करता है। आप भी अगर देखते होंगे कि जो आपको घर में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको किसी भी एनी हाउ उसको लेने की कोशिश करते हैं, वही चीज यहां पर भी होगी बच्चों। तो केमिस्ट्री में भी कुछ हट करके नहीं है, तो ये AlCl3 में जो सेंट्रल एटम है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बोलो ये Cl के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये Cl को अपनी ओर ले लेगा, तो बना देगा क्या, बोलिए AlCl4 नेगेटिव और प्लस जो है H पॉजिटिव बन जाएगा। जो ये H पॉजिटिव है ना, ये H पॉजिटिव अब किस पर अटैक करेगा, जो HCl है, देखो उसको भी हम अलग कर देते हैं। HCl को आप पूरा स्ट्रक्चर बनाए तो HCl का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, इस पर साइनाइड होता है C(NN), और इस पर जो है अब एच पॉजिटिव जो पहले स्टेप पर बना हुआ है यहां पर उसकी रिएक्शन होगी। अब आप देखिए सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एन के पास में देखो लोन पेयर है,
देखो H प्लस एड तो C या N के पास में होगा, लेकिन H प्लस क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, N के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि एक लोन पेयर इसके पास में अवेलेबल है, तो ये H पॉजिटिव यहाँ अटैक करेगा, तो देखिए क्या बनता है, H C ट्रिपल बॉन्ड N और ये लोन पेयर का यूज हो जाएगा H के साथ में और N के ऊपर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही N पर पॉजिटिव आता है, देखिए N जो होता है ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन जैसे उसका पॉजिटिव आ जाए ना वो और भी खूंखार हो जाता है, उसको जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की और भी ज्यादा उसके अंदर पावर आ जाती है और ज्यादा डेवलप हो जाती है उसके अंदर पावर, तो ये क्या करता है कि पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है, तो इससे क्या बन जाता है आप देखिए एच सी डबल बॉन्ड एन और ये एच हो गया और अब सी पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब जो ये सी पर पॉजिटिव आया ना तो ये जो स्पीसीज अभी बनी है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी और किसके लिए, फिनॉल के लिए। अब जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बना हुआ है वो फिनॉल के साथ देखिए कैसे अटैक करेगा, फिनॉल OH हो गया और इस पर जो है आपका सी एच डबल बॉन्ड एन एच और यहां पर हमारा पॉजिटिव ये अटैक करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं फिनॉल में स्टार्टिंग में आपको बताया भी गया था कि जो फिनॉल है वो इलेक्ट्रोफाइल के लिए किस तरह का काम करता है और वो पैरा डायरेक्टर का काम करता है, क्यों, क्योंकि जो ये OH ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है कि दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो हम क्या करते हैं इसमें ऑर्थो पोजीशन के लिए मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं आपको, देखिए पैरा में आप खुद बना भी सकते हैं, ये कार्बन जो पॉजिटिव लगा हुआ है ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, ये जैसे ये साइमल्टेनियसली क्या भी होगा, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पाई बॉन्ड भी जो है यहां को शिफ्ट करेगा, तो पहला इसमें जो बनेगा आपका कुछ इस तरह से स्पीसीज बच जाएगी, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया OH और इधर पर आ जाएगा H, पहले से होता सभी को मालूम है बेंजीन रिंग में, एक्सेप्ट दिस पोजीशन ऑल अदर पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड विद वन हाइड्रोजन एटम एंड ये C यहां पे अटैक करेगा, तो C ये हो गया ये वाला, H इससे जुड़ा हुआ है ये और बाकी डबल बॉन्ड और N H लगा हुआ है, इतना आप पहले क्लियर कर लो कि जैसी जैसी पे लगी हुई थी वो सब लगा दिया। अब आप देखिए चार्ज का, देखो चार्ज पहले सी पॉजिटिव यहां पे था और ये चार्ज जो है आप जैसे ही ये यहां पे अटैक करेगा क्योंकि ये यहां आया तो चार्ज पहुंच जाएगा आपका क्या यहां पर पॉजिटिव आएगा जो कि OH से जुड़ा हुआ है यहां पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, क्यों देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स, नंबर एक दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और आप जब इसका रेजोनेंस बनाते हैं तो ये पाई बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा। अगर मैं इसी का एक रेजोनेंस बना देता हूं यहां पे, देखिए रेजोनेंस बनाने आने चाहिए आपको क्योंकि रेजोनेंस में आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर आप इसमें रेजोनेंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म को सीखने में काफी पुअर माने जाएंगे। तो बार बार अगर इसको आप रिपीट करते, देखिए ये यहां शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड यहां हो गया पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा, ये बना रहेगा यहां पर हो जाएगा आपका OH और यहां पर H और यहां पर जो है सी एच डबल बॉन्ड NH, इस तरह से इसकी एक रेजोनेंस और बन सकती है जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, देखिए उसको आप खुद बनाइएगा, ये यहां शिफ्ट हो सकता है आपका ये पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है एक रेजोनेंस स्टेबलाइज एक स्पीसीज है जो भी इंटरमीडिएट के रूप में भी जो बनती है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है देन ये कन्वर्ट होता है मोर स्टेबलाइज्ड में, तो ये सी और एच के बीच का बॉन्ड आपका शिफ्ट करा है यहां पे, ठीक है। अब इस एरो को हम हटा दे रहे हैं यहां से, तो यहां पे बन जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड पहले से पड़े हुए हैं यहां पे, देखिए OH और सी एच डबल बॉन्ड एन एच यहां पर बन गया, इतना तक आप सबको मालूम है। देन अब इसके बाद क्या होगा, देखिए आप यहां पर फिनॉल पे HCN HCl HCl यहां तक आप पहुंच गए। अब देखिए H2OH+ यानी कि एसिडिक मीडियम में आपने H2O की रिएक्शन यहां पर की हुई है, यानी कि ये जो एसिडिक H2O वहां पर था इस पे H2O की रिएक्शन हम कर ले रहे हैं, तो H2O की रिएक्शन अगर हम इसमें करते हैं तो आप देखेंगे C डबल बॉन्ड NH, तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन का जो है आप अगर इसमें H2O में देखें H+ किसके पास चला जाएगा बोलो, N के पास में और OH किसके पास में, C के पास में।
तो इससे जो है एच टू यहां पर पूरा ऐड हो जाएगा, तो यहां पे हमें ये मिलेगा सी, ये हो गया OH, तो अपनी जगह बन गया सी एच, कार्बन और N के बीच पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो C पे OH, OH और N H H, एक एच तो पहले से था ही, एक एच ही हो गया, इस तरह से ये बन जाएगा। अब देन आप देखिए जो अभी बना हुआ है, दिस वन इज द अनस्टेबलाइज्ड स्पीसीज, क्यों? देखिए एक कार्बन के साथ में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव O और N, सिंगल बॉन्ड से अगर एक कार्बन के साथ में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस तरह से जुड़े रहते हैं तो आपका वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबलाइज करके कैसे चेंज करते हैं, देखिए ये O और H के बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और ये यहां शिफ्ट करेगा, तो ये बन जाएगा आपका माइनस NH3 और NH3 आउट हो गया, और जो बचा हुआ है देखिए वो क्या बना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे आ गया आपका OH और C डबल बॉन्ड O और ये H हो गया, C डबल बॉन्ड O H और माइनस NH3 हो गया, तो ये आपका बन गया सैलिसिलेडिहाइड जो पहले बना हुआ था। तो ये आपके फाइनल गैटरमैन रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया है। आप स्टार्टिंग से अगर मैं रिपीट करूं तो सबसे पहले आप लुइस एसिड और HCl की रिएक्शन करके H पॉजिटिव बाहर करके AlCl को नेगेटिव बनता है, देन H पॉजिटिव जो है किस पर अटैक करेगा, साइनाइड पर, तो आपका ये इससे इस स्टेप से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो गैटरमैन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसे अगर पूछा जाता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका बेंजीन रिंग में अटैक भी कर रहा है और फाइनली जो है थ्रू द सिग्मा कॉम्प्लेक्स आप गेट कर रहे हैं सैलिसिलेडिहाइड। दिस ऑल इज your mechanism of Gatterman reaction. Thank you for watching this reaction. Thank you very much.